सर जी, मैं अक्टूबर 2008 में मेरी इस विद्यालय में राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति थी। मेरे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ थी, क्योंकि मैं राजकीय सेवा में प्रथम बार मेरी नियुक्ति थी, तो राजकीय अकादमी और गैर अकादमी कार्य मेरे को करने थे। उनसे भी मैं अनभिज्ञ था। बच्चों का जब मैंने शिक्षण करवाया, क्लासरूम में गया, तो वहाँ बच्चों का जो स्तर होना चाहिए था वो स्तर मेरे को वहाँ मिला नहीं। तो उसके लिए मैंने बच्चों के साथ में बैठ के उनको सबसे पहले तो मैंने उनको जांचा कि बच्चे कहाँ तक हैं। उसके लिए मैंने उनके तीन ग्रुप बनाए। मेरे जो बच्चे पढ़ रहे थे, अपेक्षित स्थिति पे थे, उनको मैंने अलग ग्रुप में रखा, उनसे थोड़े से मीडियम वालों को उनको मध्यम ग्रुप में रखा, और जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा था उनको मैंने तीसरी ग्रुप में रखा, और मैं तीसरे ग्रुप के साथ में कार्य करता था उनका। सर, मैं जो भी उनको पढ़ा था, हमारे BRC से जो कार्य पुस्तिकाएँ मिली, हमारे यहाँ से जो TLM था, चंपक वगैरह थे, अखबार थे, कुछ और भी यहाँ पे जो पुस्तकें थी वो बच्चों को मैंने दी, और जो ग्रुप जो अच्छा था वो उसको उसमें लगा रहता था, और जो नहीं था उनके साथ में मैं काम करता रहा। और मैंने मध्यांतर बाद जो कार्य था, गैर अकादमी काम था, उसको मैंने मध्यांतर बाद में जो भी गुरुजी थे, सीनियर्स गुरुजी थे और हमारे नोडल जो वहाँ के अध्यापक थे, उनसे मैं समझ के और साला समय बाद उन काम को कर सका, ताकि मेरे को बच्चों के साथ में ज़्यादा कार्य करने का मौका मिले। मैंने रोजाना जब प्रार्थना सभा होती थी, उस प्रार्थना सभा में मैं बच्चों को जितने भी मेरे जैसे चप्पल जूते जमाना है, पोशाक की व्यवस्था करनी है, घंटी बजाने हैं, ताले खोलने हैं, और भी जो हैं वो मैंने बच्चों को प्रार्थना सभा में ही उनको जिम्मेदारियाँ दी, और बच्चों ने धीरे धीरे उस काम में रुचि लेने लगी। और मैं जब प्रार्थना सभा में सुबह ही उनको शेयर कर देता था कि आज का दिन का अपना क्या कार्यक्रम रहेगा। स्कूल की संपत्ति है, पहले शुरू में जो 1973 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी, जब ये जो विद्यालय है यही था, उसके बाद में ये जो भूमि थी ये चरागाह था, ये भी गवर्नमेंट के माध्यम से ये स्कूल को ही प्रमोन्नत किया गया है। ये पूरा का पूरा जो है, अभी जो ये बाउंड्री है वहाँ से वहाँ तक की जो ये वॉल है, ये स्कूल की है, अभी नवीन बनी है, ये BRG जो जिला परिषद के माध्यम से बनी है, गांव के माध्यम से SMC की मीटिंग बुला के, अभिभावक को बुला के, और ये जो पीछे वाला जो कैंपस है इनको हम कृषि के लिए नीलामी करने की सोच रहे हैं, जिससे जो हमारे को आमदनी होगी विद्यालय को, उस विद्यालय की वो जो आमदनी होगी, ये जो आगे वाला कैंपस है हमारी, ये जो कुआ है इसमें पानी है, और यहाँ पे ये जो लाइट का पोल बना हुआ है, वहाँ से हम केबिन डाल के, अंडरग्राउंड केबिन करके, इसमें एक छोटी मोटर लगा के, और उससे पानी निकाल के, और एक कोई भी 500 रुपये का आदमी लगा लेंगे, और सप्ताह का सप्ताह वो पेड़ पौधों को पानी पिला देंगे। अभी जो शीत बारिश में होगा उसमें यहाँ पेड़ पौधे लगाने का विचार है, और इनसे जो मोटर लगेगी उनसे सात दिन उनको पानी पिला देंगे, ताकि यहाँ हरे भरे पूरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। छायादार लगाने की है अभी, तो फूल वाले तो अंदर होंगे सर, बाहर तो वो इतने ही होंगे होंगे नहीं। अच्छा। बड़े पौधे हैं जो हैं छाये वाले, नीम हैं, शीशम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे वैसे बारिश के दिनों में वही जुलाई अगस्त में लगाने का विचार है, उस समय क्या बारिश आएगी तो 3-4 महीने तो वो वैसे पनप जाएंगे, उसके बाद में पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये कुआ है ये विद्यालय के कैंपस के अंदर ही है। मेरा नाम बजरंग लाल जाट है, वैसे मैं पूर्व उप सरपंच भी हूँ और इसी गांव का निवासी। बाहर भी जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन से ऊपर है वो बाहर ही, तो हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्शन ही है, इससे ऊपर के बच्चे तो बाहर बावली स्कूल में। हाँ, आगे तो बढ़नी चाहिए सर, चाहते हैं वो तो, कौन नहीं चाहता है कि अपना विलेज में स्टेंज। अब उसके लिए तो प्रयास सर यही है सर, कि मतलब ये विधायक वगैरह से करते हैं कि हमारे भी मिडिल स्कूल खोलो। अब आगे के लिए तो रहते हैं ना, सेकेंडरी हमारी बावड़ी में सेकेंडरी स्कूल ही है, हम उसके लिए भी सीनियर के लिए प्रयासरत तो है ही, और अब इस टाइम गवर्नमेंट का विशेषकर बच्चियों पर है, तो बच्चियों के लिए तो जहाँ अपने विलेज में ही रहेगा तो वही स्टेंज बढ़ा सकते हैं। अब इतने अभिभावक प्रेरक इतने तो है नहीं, अभिभावक जो बाहर भेज दे बच्चियों को और पढ़ा सके रहे हैं ना सर, वो तो शिक्षा के लिए भी तो हमें तो उनको
पंचायत समिति बीओ साहब से इनसे बात करके भाई इकला स्टाफ है और इनको इनके सहयोग के लिए दूसरा लगाओ तो डेपुटेशन पे लगा रखा था उन भाई की उपलब्धियाँ। तो सर जब मैं विद्यालय में आया था उस समय इस विद्यालय का 34 का नामांकन था। यहाँ से समाज से मेरा पहले मैं उनसे अपरिचित था। जब गांव के अभिभावक यहाँ पे ये बाहर एक हैंडपम्प लगा हुआ यहाँ पे उनका आना जाना रहता था तो उनसे मैं बात करता था कि आपके बच्चे को ये आ गया। SMC की जब मीटिंगें हुआ करती थी उस SMC की मीटिंग में मैंने उनके बच्चों के द्वारा जो उपलब्धियाँ थी वो उनके सामने रखा। और इस प्रकार का अक्टूबर के बाद में जो नया सेशन सन 2009-10 था उसमें मेरी उपलब्धियाँ गाँव में जाने लगी और गाँव के लोग भी ये समझने लगे कि वास्तव में अपने विद्यालय में पढ़ाई होने लगी। और सत्र 2009-10 में 34 से बढ़कर नामांकन 74 हो गया सर। अन्य जो स्कूलें थी प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से हमारे विद्यालय में 38 बच्चे का नामांकन हुआ 9-10 में। और आज भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस गांव में से 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे, वैसे 6 से 14 तक तो 121 बच्चे हैं लेकिन 6 से 14 तक के 84 बच्चे हैं, वो 84 में से 74 बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में हुआ। अन्य जो 8 बच्चे थे उनमें से 6 बच्चे तो अदर्स उनके ननियाल वगैरह पढ़ते हैं, मात्र 2 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। और सभी बच्चों का यहाँ पे नामांकन हुआ। mm-hmm.